नमस्कार दर्शकों दर्शकों आज हम चर्चा करने वाले हैं एक विशेष उपाय पर। ये विशेष उपाय है जिन लोगों को धन से संबंधित, बिजनेस से संबंधित परेशानियां रहती हैं, कर्ज की बहुत ज्यादा परेशानी हो, कर्ज बार बार आपको लेना पड़ रहा हो, आपका कर्ज बढ़ता जा रहा हो, एक कर्ज यदि आप उतार देते हैं तो दूसरा कर्ज उस पर भारी हो जाता है। ये उपाय उन लोगों के लिए भी बहुत कारगर सिद्ध होता है जो लोग शत्रुओं से बहुत परेशान रहते हैं, लोग उनको बेवजह परेशान करते हैं, मानसिक तनाव उनको बहुत अधिक होता है, या कोर्ट कचहरी का कोई ना कोई मुकदमा, कोई ना कोई परेशानी बेवजह उन पर बनी रहती है। ऐसा उपाय हम आपको बताएं। इससे पहले आप हमारे नए चैनल गुरु ज्ञानम ज्योतिष एंड वास्तु को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मित्रों, ये जो विशेष उपाय है, ये विशेष उपाय विशेष मुहूर्तों पर करें तो बहुत ज्यादा शुभ होता है। जैसे कि सावन का महीना चल रहा है, इस सावन के महीने में आप इसे हर मंगलवार को और शनिवार को रिपीट कर सकते हैं, 5 बार ये करना है। इसके साथ साथ होली पर, दीपावली पर या नवरात्रों में भी इस उपाय को किया जाता है और सर्व कार्य सिद्ध जो मुहूर्त होते हैं उनमें भी ये उपाय बहुत कारगर होता है। इस उपाय के लिए जो सामग्री चाहिए वो विशेष होती है परंतु हर जगह उपलब्ध होती है। ये उपाय ना तो आज तक आपको किसी ने बताया होगा, ना किसी किताब में आपने पढ़ा होगा, ना किसी से सुना होगा, क्योंकि ये बहुत ही दुर्लभ उपाय है और मेरे गुरु के द्वारा मुझे ये उपाय बताया गया है और किसी भी परेशानी बाधा को ये तुरंत दूर करता है। इसके लिए आपको जो सामग्री चाहिए मित्रों वो है एक बड़े साइज का अनार, अच्छी क्वालिटी का बड़े साइज का अनार लेना है आपको और करीबन उतने ही चावल, 100 या 150 ग्राम चावल आपको लेने हैं और एक आपको चाहिए नीली शाही, नीले रंग का जो पेन में भरने वाली शाही होती है वो शाही। इसके साथ साथ हमें चाहिए एक मटका, छोटा मटका मिट्टी का, अगर कच्चा मटका मिल जाए कुम्हार से तो बहुत अच्छा, नहीं तो जो मार्केट में उपलब्ध हो वो भी ले सकते हैं। अब इस उपाय को कैसे करें, आपको करना क्या है, आपको मंगलवार वाले दिन सुबह एक अनार लेकर के आना है। इस अनार को आपने ऊपर से जो उसका ऊपर वाला फूल वाला भाग होता है उसे काट लें, थोड़ा सा ढक्कन टाइप काटना है उसको। काटने के बाद धीरे धीरे सारे अनार के दाने उसमें से निकाल देने हैं। अब उसे बिल्कुल वो खाली खोखला एक रह जाएगा भाग उसका, कटोरी नुमा। चावल लेने हैं आपको जो कि 1 या 2 घंटे पहले, ये कार्य करने से पहले आपको उन्हें किसी प्लेट में डालकर, थोड़ी सी नीली शाही डालकर उसे हाथों से अच्छी तरह मसल लें और उसको ब्लू कलर का कर लें, यानी कि चावल का जो कलर हो वो ब्लू कलर का चावल होना चाहिए। अब वो अनार का जो खोल है उसमें ये चावल सुखा करके आपको भर देने हैं। भरने के बाद जो ढक्कन आपने ऊपर से काटा था उसे फिर से एज इट इज लगा करके आप उसके ऊपर एक लाल रंग की मौली या धागा बांध दें। बांधने के बाद आपको उसे एक मिट्टी के जो मटका आपने लिया है उसके अंदर आपने उसे रख देना है। रखने के बाद कुछ सिक्के, कुछ फूल अगर आप साथ में रखें लाल रंग के या पीले रंग के तो बहुत अच्छा है, कुछ फूल रख दें और उसका ढक्कन ऊपर से बंद करके आपको अपने घर से, यदि कोई घर में बाधा हो तो घर से चारों तरफ चारों दिशाओं से घुमाकर 7 बार ले जाना है। व्यक्ति विशेष पर कष्ट हो, कर्ज हो तो उसके ऊपर से घुमा करके ले जाना है, कोई रोगी हो तो उसके ऊपर से आपको 7 बार एंटी क्लॉक घुमाना है।
या जो व्यक्ति कर्ज से या शत्रुओं से परेशान हो वो व्यक्ति खुद अपने सर से 7 बार किसी को कहे कि उसको एंटी क्लॉक घुमा दे। घुमा करके आपको मंगलवार को शाम के समय 4 या 4:30 के बाद ले जा करके इसे आपको नदी में बहा देना है, बहते हुए जल में इसे प्रवाहित कर देना है। मित्रों, ये उपाय बहुत ही कारगर उपाय है। यदि आपको कोई नदी आसपास, नाला आपको आसपास नहीं दिखाई देता है तो आप इसे किसी वीरान जगह पर रख के भी आ सकते हैं। ऐसी कामना करनी है कि मैं कर्ज से मुक्त हो जाऊं, मेरी परेशानियां दूर हो, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो, या कोई भी आपकी अधिक परेशानी हो, आपके शत्रु परेशान कर रहे हो, आपके प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा हो, वो आपकी तरफ बिल्कुल आने लगेगा, आपका प्रभाव लोगों में बढ़ने लगेगा। जो भी राहु से संबंधित परेशानी हो रही होगी या चंद्रमा से संबंधित परेशानी होगी वो तुरंत ठीक होनी शुरू हो जाएगी। ये महा उपाय है और ये उपाय आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि ये उपाय गुरु के द्वारा बताया जाता है और ये हिडन उपाय है, हम हर किसी को नहीं बताते हैं, परंतु आज मैंने इसका खुलासा किया है कि अधिक से अधिक लोग इससे लाभ ले पाएं। और ऐसे ही विशेष जो उपाय हैं, दुर्लभ उपाय हैं, यदि उनको आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हर रोज हमारी अपडेट्स देखते रहें। धन्यवाद। जय माता दी।